कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान जो हमारे भगवत चिंतन का नाश कर रहा हो, हमें उस स्थान का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का उसी क्षण त्याग कर देना, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी अपराध, पाप, नरक, ये सब हमारे लिए खिलवाड़ है। हमारे इष्ट के चिंतन को छुड़ा दे, तजिए ताहि कोटि बैरिसम जब जब परम स्नेही। चाहे कोई भी हो, कोई भी, इसमें कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई भी। इस साधक को एक लक्ष्य पर सीधा निशाना रखना चाहिए, जिसके संग से हमारा संयम बढ़े, जिसके संग से हमारा भजन बढ़े, जिसके संयम से संयम वृत्ति हमारे हृदय में आनंद जागृत करे, उस मार्ग, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति, उस भोजन का हम, नहीं तो अन्यथा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी थोड़ी बातों में, प्रलोभनों में आकर के हम अपने परमार्थ को बेचना शुरू कर देते हैं। हम राजी हो जाते हैं अपने को नष्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उपासक में, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। छोटे से सुख के लिए जो भ्रमात्मक है, आप अपने जीवन को बेच रहे हैं, आप अपने आध्यात्मिक शक्ति का त्याग कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रमाद स्थिति है। इसमें बिल्कुल सावधान होना चाहिए उपासक को।